नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज जो हम योगा प्रैक्टिस करेंगे वो अपने एब्स के वर्कआउट के लिए करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम कर लेते हैं नमस्कार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम वार्म अप कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से कुछ देर तक हम वार्म अप करेंगे ताकि हमारी बॉडी पूरी तरह से ओपन हो जाए। इस तरह से जॉइंट्स जो हैं वो खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। लंबी सांस भरते हुए, लंबी सांस छोड़ते हुए। तो इस तरह से हमारा वार्म अप हुआ। अब हम करेंगे एब्स के लिए कुछ आसन। जमीन पर लेट जाएंगे। अब या तो पीछे से भी आप पकड़ सकते हैं अपने हाथों को, नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। पर अगर आप पीछे से पकड़ लेते हैं या आप जमीन पर रखते हैं तो आपकी बॉडी आप स्लिप नहीं करते। अदरवाइज अगर हम पैरों को ऊपर उठाएंगे तो हम स्लिप करते हैं। तो मैं पीछे से ऐसे पकड़ लूंगी, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस तरह से पैरों को सांस भरते हुए बाहर निकालते हुए ऊपर नीचे करें। जमीन से पैरों को छूना नहीं है। इस तरह से हमें करना है। हम कुछ देर के लिए साइकिलिंग करेंगे। इस तरह से साइकिलिंग करेंगे जिससे हमारे स्टमक में खिंचाव होता है। अब हम बारी बारी से भी पैरों को ऊपर नीचे करेंगे। ये जो सभी वर्कआउट है ये हम ओनली ऑन एब्स के लिए कर रहे हैं। हम करेंगे सेतु बंधा आसना फॉर एब्स। फिर से नॉर्मल पोजीशन में वापस आएं। अब हम करेंगे अर्ध नौकासना। आप चाहें तो पूरी तरह से भी कर सकते हैं।
अर्धनौकासना में हमारे पैर कुछ इस तरह से रहेंगे और हाथ हम ऐसे रखेंगे। कुछ देर तक हम होल्ड करेंगे और आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये पूरा प्रॉपर नौकासना होगा इस तरह से। अपने नॉर्मल पोजीशन में वापस आए। अब हम दोनों हाथों को एल्बो से जमीन पर रखते हुए इस तरह से पोजीशन देंगे और इस तरह से बारी बारी से अपने हाथों को रखेंगे। इस तरह से करेंगे और फिर नॉर्मल प्लैंक करेंगे। अधोमुखासना में आएंगे, पैरों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। और इस तरह से साइड में अपने हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे। ठीक उसी तरह से पोजीशन को रिवर्स करेंगे। और इस तरह से लेफ्ट हैंड को भी ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। अधोमुखासना में आएंगे नी के बल बैठ जाएंगे। अब पैर को पीछे की ओर खोलेंगे, हाथ को आगे की ओर और स्ट्रेच करेंगे और इस तरह से पोजीशन देंगे। ठीक उसी तरह से दूसरे हाथ में भी। पुनः अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे और इस तरह से अपने हाथों के बल हम नीचे की ओर बेंड होंगे और अपनी कमर को लेफ्ट राइट बेंड करेंगे। बालासना में आएंगे और रिलैक्स करेंगे। नी के बल बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे और इस तरह से बेंड करेंगे। अधोमुखासना में आएंगे, पैर को इस तरह से पोजीशन देते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे ठीक उसी तरह से। दूसरे लेग की भी पोजीशन में हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। और अब इस तरह से पोजीशन देंगे ठीक उसी तरह से। पोजीशन
पोजीशन देंगे, जमीन को छुएंगे, और कम से कम 5 ब्रीदिंग तक स्टे करेंगे। पुनः अपनी स्थिति में वापस आएंगे। धनुरासना का पोजीशन बनाएंगे इस तरह से। नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे और भुजंगासना करेंगे अथवा मुखासना, भुजंगासना। इस तरह से कुछ देर तक होल्ड करेंगे और नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे। तो इस तरह से आज हमने किया एब्स के लिए वर्कआउट, यानी कि एब्स के लिए कुछ आसन करें। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारे सारी प्रैक्टिस, हमारे सारे योगाभ्यास पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियोज़ बनाकर लेकर आएंगे। हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से नए योगाभ्यास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।